गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज मैं जाने वाला हूँ बसवा कल्याण, जो कि बसवण्णा का स्टैचू देखने के लिए। यहाँ से 125 किलोमीटर पड़ता है, मैं बाइक पे जाने वाला हूँ आज, जो कि RC 200 पे, मेरा बाइक पे नहीं, तो मैं बाहर जाके आपको बताऊँगा। तो यहाँ से 125 किलोमीटर पड़ता है एंड वहाँ पे स्टैचू जो बसवण्णा का है 108 फिट का है। तो चलो अभी चलते हैं, आसिफ को भी लेते हैं। तो जाने से पहले इम्पोर्टेंट बात कि ग्लव्स और हेलमेट ले लो, कोई भी अगर बाइक पे जा रहे हो तो कहीं पे भी ग्लव्स और हेलमेट ले लेना भाई, सेफ्टी के लिए। एंड चलो अभी निकलते हैं। मेरा ग्लव्स और कुछ बैग में पावर बैंक वगैरह, मोबाइल चार्जर, कुछ पानी बॉटल रखने के लिए और कुछ चीज़ें हैं इसमें, तो बैग वो ले लेता हूँ मैं। और ग्लव्स हेलमेट अपने दोस्त के घर पर जाके वहाँ से ले लेते हैं। तो चलो, तो ये अपना RC 200 लेके जा रहा हूँ मैं आज अरुण का, क्योंकि मेरा बाइक यहाँ पे है, थोड़ा इसका सर्विस वगैरह चल रहा है, अभी सर्विस करवाना है, चल रहा नहीं सर्विस करवाना है, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस वजह से इसको यहीं पे ठहरा दिया हूँ। और मैं ज़्यादातर अपने बाइक में लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं करता, मोटो व्लॉग्स, इसका वजह है कि मुझे घर में कहीं पे भी दूर जाने नहीं देते बाइक लेके, अराउंड 150 to 200 किलोमीटर इतना ही, उस वजह से अपलोड नहीं करता। मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ मेरे बाइक्स के, देख लेना। एंड ये मेरा बाइक यहीं पे है, तो अभी हम ये लेके जा रहे हैं RC, जो कि ग्रीन कलर का 200 लेके जा रहा हूँ। तो अभी आसिफ को पिक करके फिर यहाँ से निकलते हैं सीधा बसवा कल्याण की तरफ। तो गाइस ये देख सकते हो, तो मेरे पास कैमरा तो नहीं है, इस वजह से मैंने मोबाइल होल्डर मंगाया है, तो मोबाइल भी बिठा सकते हैं, कैमरा भी बिठा सकते हैं। ये मेन तो मोबाइल होल्डर है, जो कि मैं मोबाइल में व्लॉग्स बनाता हूँ, तो यहाँ पे मोबाइल फिट कर देता हूँ अभी थोड़े देर में। तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके से फिट किया है, ये कुछ 300 रुपीज़ में आता है। तो गाइस अभी आसिफ भी आ चुका है, तो चलो अभी चलते हैं, ग्लव्स हेलमेट वगैरह पहन के, पहला सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, हेलमेट वगैरह पहनो। अभी पेट्रोल पंप में हम पूरा अभी फुल करा दिया हूँ टाकी, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो चलो गाइस, सेफ्टी ग्लव्स हेलमेट सब पहन लीजिए कहीं पे जा रहे हो। तो चलो अभी निकलते हैं हम। तो गाइस यही यहाँ पे ही ब्रिज का काम चल रहा है, थोड़ा यही पे ही आधा घंटा चला जाएगा, बहुत मतलब रोड सही से ठीक नहीं है, यहाँ पे साइड में बनाया गया है जब तक के लिए, रोड बनने तक जाने के लिए। तो यहाँ देख सकते हो बाजू में बहुत तो कंप्लीट हुआ, यहाँ पे तो रोड है, हमें यहाँ से जाने के लिए बहुत देर लगता है, और सामने से अभी तो थोड़ा बहुत मट्टी डाल के ठीक किए रोड, पहले तो जाने भी नहीं होता था, बहुत स्लो जाना पड़ता था। जो देख रहे हो ये पुराना वाला ब्रिज है, तो यहाँ पे पूरा जब भी बारिश के सीज़न में पानी बहुत भर के ऊपर आता था, व्हीकल्स हो जाने के लिए बहुत तकलीफ होता था, उस वजह से अभी थोड़ा ब्रिज का हाइट बनाया गया है, और ये बहुत पुराना भी हुआ है। सो गाइस अभी हम गुलबर्गा के अंदर है, ये जो दिख रहा है ये राजापुर क्रॉस से अभी हम अहमदाबाद रोड को जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये अहमदाबाद रोड का रास्ता है। तो अभी सामने जाके हमें राइट में टर्न करना होगा, तो अभी हम फिलहाल गुलबर्गा के अंदर है, वहाँ पे टर्न करके अहमदाबाद रोड पे हम निकलेंगे।
गाइस हम अहमदाबाद रोड पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से अभी स्ट्रेट है रास्ता, कहीं पे भी क्रॉस नहीं कुछ नहीं, एकदम स्ट्रेट सीधा जाके मुंबई पुणे रोड को लेफ्ट लेना होगा हमें। अभी गुलबर्गा भी पार कर लिया हम, चलो अभी चलते हैं। अभी हम 30 किलोमीटर गुलबर्गा से बाहर है, तो देख सकते हो हाईवे कितना मस्त है। एक भी ऐसा मतलब रास्ता अच्छा नहीं है बोलते हैं, एकदम हाईवे साफ है गुलबर्गा से यहाँ तक। कहीं पे भी हमारे को रास्ता तो नहीं मिला, जो कि देख सकते हो कितना साफ है रास्ता, एकदम हाईवे ही है छोड़ो अहमदाबाद तक तो मतलब। और व्यू भी देख सकते हो आप, अभी हम थोड़ा ऊपर आ गए पहाड़ के ऊपर से जा रहे हैं थोड़ा बहुत। तो गाइस अभी हम अहमदाबाद राइड को जाता है, लेफ्ट से जो हम जा रहे हैं ये बसवा कल्याण सोलापुर पुणे महाराष्ट्र रोड है। तो अभी यहाँ से हमें और एक 30 किलोमीटर सोचा है, तो अभी 30 किलोमीटर में यहाँ पे बसवा कल्याण आ जाएगा, तो जल्दी पहुँचने वाले हैं। अभी हम मुंबई पुणे हाईवे पर आ गए यहाँ पे। गाइस ये बसवा कल्याण का जो कि एंट्रेंस देख सकते हो कितना जबरदस्त बना है भाई, मस्त दिख रहा है। तो अभी थोड़े ही दूर पर स्टैचू है बसवन्ना का, तो चलो चलते हैं। अभी थोड़े ही दूर 2 से 3 किलोमीटर हुआ, अभी फाइनली अंदर तो आ गए हम बसवा कल्याण के। तो वो एंट्रेंस था जो आप देख रहे हो। सो गाइस फाइनली 125 किलोमीटर्स पार करके वाड़ी से हम कल्याण, जो कि 2.5 आवर लगा हमें यहाँ पहुँचने में देख सकते हो। तो पूरा अभी पास चलते हैं बसवन्ना के पास चल के पूरा मैं वीडियो बताता हूँ। तो गाइस फाइनली हम आके पहुंच गए हैं। अभी 125 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप राइड करके अभी बसवा कल्याण आ चुके हैं। तो दोनों का मिला के 55 टिकट का प्राइस है, 55 दोनों का मिला के लिया है, मतलब एक जन का होगा 26 नहीं तो 27 रुपीज़। तो ये देख सकते हो, आपको अभी नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ का व्यू देखो। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा कमल, जो कि लोटस बोलते हैं ना भाई इसको इंग्लिश में कुछ भी हो, यहाँ पे मस्त एकदम पानी है। और यहाँ से देखो भाई क्या दिख रहा है व्यू, 108 फीट का मूर्ति है जो कि बसवन्ना जी का। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए, इस तरफ से नीचे आने के लिए, इधर से अभी हम ऊपर चलते हैं। तो ये कुछ स्टैचूज वगैरह है यहाँ पे,
ये देखो भाई साहब क्या मस्त दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अभी पूरा ऊपर चढ़ते हैं हम भी। यहाँ पे एक 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 मूर्ति है पूरा ऊपर तक। स्टेप्स जो है स्ट्राइट नहीं बना है भाई, क्रॉस है। एक ऐसा चढ़ना है, फिर एक ऐसा, एक ऊपर, फिर तो ऊपर आ गए अभी हम। तो गाइस यहाँ पे गार्डन भी मस्त है भाई, तो यहाँ से देख सकते हो आप कितना 108 फीट की मूर्ति भाई साहब क्या लग। ये कुछ यहाँ पे गार्डन वगैरह है, तो ट्रीज वगैरह भी, प्लांट्स सब कुछ। फाइनली ट्रैवल करके पहुँच गया है भाई। सुबह हम निकले थे 11 बजे वैसा 10:30, और अभी टाइम हो रहा है कितना, 1 बज रहा है शायद। तो ये देखो भाई यहाँ पे कुछ कॉइन डाले हैं बहुत सारे, मतलब जो भी हम प्रे करके कॉइन डाल के जाते हैं वो सच होता ऐसा कुछ है होगा। मैं सुना था पर यकीन नहीं, मैं सुना था बस ऐसे कॉइन डाल के आप जो भी मांगते हो जाता बोल के बोलते, पर वो उतना मुझे पता नहीं, जितना मैं सुना उतना बोला। तो ये एक बार पूरा व्यू देख आता हूँ मैं पीछे का, देन चलते हैं बसा ना के मूर्ति के पास। तो ये कुछ हम अभी पूरा ऊपर चढ़ के आए। तो ये देखो भाई लॉर्ड बसवन्ना, तो यहाँ स्टैचू देख सकते हो आप, पूरा सिर ऊपर करके देखना पड़ रहा है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं द वर्ल्ड्स फर्स्ट 108 फीट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बसवन्ना। तो मतलब वर्ल्ड में बसवन्ना का यही बड़ा स्टैचू है यहाँ का, बसवा कल्याण का। तो भाई देखो यार इसको कैसा बनाए होंगे, मुझे वो समझ नहीं आ रहा इतना ऊपर। और वहाँ पे मधुमक्खी भी है गाइस, तो जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ वो ब्लैक कलर आप देख सकते हैं, तो गर्दन के थोड़ा ही नीचे यहाँ पे मधुमक्खी भी है। तो ये रहा यहाँ का, मतलब मस्त है भाई व्यू। तो गार्डन भी मस्त बना है बाजू सब, और पानी मतलब देखने के लिए तो मस्त लग रहा है एकदम। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब कुछ। तो कुछ अंडरग्राउंड है, तो चलो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे भी बसवन्ना का मूर्ति को पूजा किया है, तो ऊपर बहुत बड़ा है वहाँ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ अंडरग्राउंड में एक छोटा सा बसवन्ना है वहाँ पे पूजा वगैरह चलता है सब कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हो अंडरग्राउंड का तो दिखाया हमें, अभी चलो एक चक्कर लगाते हैं पूरा मूर्ति का। भाई साहब मूर्ति तो इतना बड़ा है, हम तो एक उंगली के बराबर भी नहीं है। इस मूर्ति को कैसा बनाया गया होगा। तो मुझे गार्डन भी बहुत पसंद आया, आजू बाजू जो भी मूर्ति के बाजू जो गार्डन है वो भी मस्त बनाया गया। ये पीछे से देख सकते हैं,
यहाँ पे और भी कुछ है ऊपर, देख के आते। अभी जो मैं बसवण्णा का स्टैचू दिखाया 108 फीट का, तो इसको इनॉग्रेशन किया गया था 28 अक्टूबर 2012 में, तो इसको ओपनिंग किया गया टोटल इसको पूरा बना के। अभी हम यहीं पे बैठे थोड़ा गार्डन में, फिर चलते हैं कुछ देर बैठकर। अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया है, नॉन स्टॉप आए 2.5 आवर जर्नी करके, तो अभी कुछ देर बैठ के फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी हमारा व्लॉग भी यहीं पे एंड होता है, तो आप सभी को तो अभी मैंने दिखा दिया, तो 125 किलोमीटर्स हमने वाड़ी से बसवा कल्याण आए, तो आरसी 200 पे। तो बसवण्णा के बारे में और कुछ बताना था, इनका पैदा हुए थे जो कि 1134 वहाँ पे दिए है 1134, एंड इनका डेथ हुआ था 1196 को। तो बसवना बागीवाड़ी में इन्हों बॉर्न हुए थे, एंड इनका डेथ हुआ था कहाँ पे। तो गाइस अभी हमारा जो कि बसवा कल्याण आके पूरा देख चुके हैं अभी, तो व्लॉग भी यहीं पे हम एंड करने वाले हैं। तो 125 किलोमीटर्स वाड़ी से बसवा कल्याण, अभी इससे भी दूर जाने का सोचेंगे अब, पर घर में नहीं छोड़ते, इतना दूर ही रिक्वेस्ट करके आए, बहुत बड़ी बात है इतना दूर छोड़े हमारे को। एंड अभी एक बात, तो बसवा अन्ना जो कि बॉर्न हुए थे बसवाना बागेवाड़ी में, जो कि 1131 मतलब ईयर बता रहा हूँ 1131, एंड इनका डेथ हुआ था कुडाला संगमा में जो कि 1196 को, 64-65 ईयर था इनका डेथ होने के टाइम। तो अभी हम नीचे उतर रहे पूरा, तो अभी पूरा मैं दिखा चुका हूँ आपको, गार्डन वगैरह सब कुछ। बसवण्णा का मूर्ति के बारे में भी बताया हूँ, 108 फीट का मूर्ति है। अभी हम चलते हैं यहाँ से, जाके कुछ खाना पीना खा लेंगे, भूख भी बहुत लगा है, नाश्ता भी नहीं करे हम, सीधा रेडी हुए नॉन स्टॉप का, कहीं पे भी बाइक नहीं रुका है हम, पानी तक नहीं पिए, तो देख सकते हो पूरा लिप्स सूख गया है। तो चलो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तो चलो बाय।